हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं किरण नेगी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक और न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 बजे। 1 बजे इसलिए हो रही है क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट भी उठी। लेट इसलिए उठी क्योंकि रात को मैं लेट सोई थी। लेट इसलिए सोई थी कि कल पता नहीं क्यों मेरे पूरे बदन में एलर्जी सी हो गई थी, इसलिए मैंने अपने गले के मंगलसूत्र वगैरह भी निकाल दिए। हाथ में जो मैंने डाले थे वैसे वो भी निकाल दिए। बहुत एलर्जी हो रही थी रात के 1-2 बजे। नेगी जी तो सो गए थे घड़ाटे ले लेके। फिर मैंने कहा यार डिस्टर्ब हो गए, तो फिर मैंने किचन में जाके जो मेरी दवाइयाँ रखी थी उसको ली, लोशन लगाई। तो स्टार्ट करते हैं न्यू ब्लॉग, बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेके एंड तक। और अभी नेगी जी तो जा रहे हैं मछली वापस करने। हमारे यहाँ एक फिश बड़ी हो गई थी, वो बार बार ना एक्वेरियम में मार रही थी। तो क्या होता है कि जब मछलियाँ बड़ी हो जाती है और वो एक्वेरियम में मारती है तो एक्वेरियम के जो कांच होते हैं ना उसमें दरारें पड़ जाती, तो फिर उसमें से पानी चूता है। तो फिर हमने नेगी जी ने बोला कि मैं इसको चेंज करके आता हूँ। मैंने कहा ठीक है करके आओ, तब तक मैं पकौड़ी बनाती हूँ। और आज मैं पकौड़ी बना रही हूँ, दाल चावल पकौड़ी बना रही हूँ। आलू प्याज के पकौड़ी बोलो या भजिया बोलो, ये बनाए हुए। मैंने कहा बना लेते हैं। नेगी जी कह रहे थे कुछ बनाती नहीं है। विचार तो था कि आज मैं बनाऊँ वो, आजकल नहीं चल रहा कटोरी वाला चाट, पर क्या करूँ मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए बनाया। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊँगी। नेगी जी को तैयार होते हुए तो खुद भी जाके देखो 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 कैसे देख रहा है तुम्हें। जा 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 रहा है तुम्हें देखने के लिए। देखो फ्रैंक क्यों खड़ा हो रखा है वहाँ, क्यों बैठ रखा है? क्योंकि नेगी जी जा रहे हैं मार्केट, ये फीस, और फ्रैंक को भी जाना है। और देखो नेगी जी कह रहे हैं आज मैं ये फीस चेंज करवा देता हूँ, ये बड़ा हो रहा है ना, तो ये ना अपने मुंह से इस शीशे में मार रहा है, तो शीशा क्रैक होने का डर होता है ना, इसीलिए ये जो बड़ा वाला फीस देख रहा हो इसको चेंज करके छोटे छोटे लाएंगे। दोस्तों हम ना फीस को चेंज करने जा रहे हैं, और क्योंकि फिश इस पानी में है ना तो इसी पानी को डालेंगे इसमें, और इस फिर उसको डालेंगे पॉलीथिन में। बैग है इसका जिसमें हम लाते हैं ना, वो बैग हमने संभाल के रखा है क्योंकि हमको पता था ऐसे हो सकता है। तो ये बड़ा हो चुका है फिश, तो इसकी जगह हम छोटी वाली फिश ले आएंगे। तो इसी पानी में उसको डालना पड़ेगा, फिर ले जाना पड़ेगा पॉलीथिन में। रुक जा। फ्रैंक को क्या हो रहा है? दोस्तों ये है पॉलीथिन। पहले हम फिश को निकाल के इस जग में डालेंगे और फिर जाली से। कहाँ गए भाई? आजा आजा। यहीं तक था सफर अपना। खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो और फिर चेंज करो। इसके बदले कितनी मच्छी देगा वो हमें? पहले यही करोगे जाके? फ्रैंकी की आदत है, हम कुछ भी काम करेंगे ना तो ऐसा देखेगा जैसे कि पता नहीं क्या जासूसी कर रहा है वो। देखो तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं दुकान में जहां से हमने ये मछली लेनी है ना, तो भैया को मैंने वापस कर दिया है इनसे। हम ये मछली ले, देखो कितने टाइप की मछलियां है ना, मेरे तो कसम से दिल करता है ना कि सब उठा के ले जाऊं, बहुत प्यारी प्यारी लगती है। लेकिन इनमें से ना ये रह भी नहीं सकते सर, पता नहीं फाइटर और क्या क्या बोलते हैं इनको, मतलब कि कुछ ही फिश है जो कि साथ में रख सकते तुम, और कुछ ऐसी इनमें से जो कि अलग अलग रखनी पड़ेंगी। वो तो खैर हमको तो अपने वाली चाहिए, छोटी वाली। भाई को मैं बता दिया 4-5 फिश हैं जो दे दो हमको, और फिर हम अभी इनको लेके चलते हैं। ये मेरी सास ससुर जी, ये नेगी जी जब आर्मी में थे तो ये फ़ोटो खिंचवाई थी आर्मी ड्रेस में, और ये मेरी फ़ोटो है उत्तराखंडी लुक में। देखो नथ पहना हुआ है। और आदि कहता है मम्मी आपका 2 बेटा भी है, उनकी फ़ोटो कहाँ है? मैंने कहा तुम खिंचवाते नहीं हो इसलिए लगाया नहीं है। तो आज हमारे गार्डन में कितना प्यारा फूल खिला, वो भी एक देख रहे हो मजेंटा कलर, कितना प्यारा लग रहा है ना, यानी कि रानी कलर का। और देखो ये पानी और ये चावल रखा हुआ हमने चिड़ियों के लिए। हमारे यहाँ छोटी छोटी चिड़िया आती है 2-3। नेगी जी ने पूजा करके यहाँ तुलसी में धूप जलाया हुआ है। हाय मुझे तो फूल अच्छा लग रहा है अपने गार्डन का।
तो दोस्तों हम फिश चेंज करके ले आए, इसमें 4 फिश लाए शायद। तो ये पानी में हमने ना इस पॉलीथीन को इस पानी में डाल दिया ताकि दोनों पानी का ना टेम्परेचर सेम हो जाए। तो अभी हम निकाल के अभी फिश को डालते हैं एक्वेरियम में पॉलीथीन से। तो इसको निकालते हैं बाहर। तो ये इसमें एक येलो है, 2 ब्लू है और 2 पर्पल है। पहले भी थे लेकिन वो पर्पल नहीं है, वो रेड टाइप में। रेड नहीं, वो पिंक है। पिंक है वो, ये पर्पल टाइप में है ना, थोड़ा डार्क सा। चलो डालो, मैं बनाती हूँ। एक एक करके निकालेंगे हम, क्योंकि उसने बोला है कि पानी अपने एक्वेरियम में नहीं डालना। पहले हम ऐसे पकड़ देते थे ना, तो आजकल कुछ रिएक्शन हो रहा है फिश पे, तो पता नहीं क्या हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन वो बोला कि पानी नहीं डालना है इसको। तो ये है फिश, कितनी है, 5। इनको हमने डाल दिया मग में। अभी एक एक उठा के हम इसको डाल देते हैं अपने एक्वेरियम में। तो अभी हमने इनको डाल दिया एक्वेरियम, और ये हो गई अभी टोटल 10। अभी ये पता है एक ही कैटेगरी की हो गई हैं सारी की सारी। अब ये ठीक है, अभी ये मस्ती करेंगे अपने आपस में। इनमें एक ग्रीन वाली सिंगल रह गई, एक सिंगल ग्रीन और लानी चाहिए थी, गलती कर दिया। ये सारी फिश लाने से फायदे ये है कि ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, और दूसरी ये गंदा भी नहीं करती ज़्यादा। तो इसके साफ़ सफाई भी काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी दिन तक ना करो चल जाता है। अभी जैसे साफ कर लिया तो 1-2-3 महीने तक साफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी फिश है ना इसलिए। और हाँ गाइस, कैसे लगा आज का ब्लॉग, आई होप अच्छा लगा होगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, और ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है, और उन लोगों को दिल से थैंक यू जो मुझे बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स करते हैं। मुझे सच में उन लोगों के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है कि आप लोग कितना प्यारा कमेंट्स करते हो, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग के कमेंट्स के लिए।